दोस्तों अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया को एक खतरनाक टीम मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों 11 नवंबर को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक था जिसे देखकर तो सभी दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाड़ियों ने भी जबरदस्त खेल का प्रदर्शन दिखाया, लेकिन सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया मैथ्यू वेड ने, जिन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करके ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक शानदार जीत हासिल करवा दी और इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब भी जीत कर और अपने प्रदर्शन का सारा श्रेय महेंद्र सिंह धोनी को देते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं मैथ्यू वेड के इस बयान के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि इस साल का T20 वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों 11 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में हमें इतना ज्यादा जबरदस्त खेल का प्रदर्शन देखने को मिला जिसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी अपने सपने में नहीं की होगी। जहां पहले पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम के गेंदबाजों की जमकर पिटाई लगाई और 177 रनों का विशालकाय लक्ष्य रखा। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद रिजवान और फखर जमान ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया, लेकिन दोस्तों जो बल्लेबाजी का प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने किया वो वाकई में काबिले तारीफ था। ऑस्ट्रेलिया की ओर से डेविड वार्नर ने भी शानदार बल्लेबाजी करी और उसके बाद मार्कस स्टोनिस ने जबरदस्त 40 रनों की पारी खेली और अंत में मैथ्यू वेड ने 17 गेंदों में 41 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके इस मैच का पूरा रुख पूरी तरह से पलट दिया और अंतिम ओवर में शाहीन शाह अफरीदी जैसे खतरनाक गेंदबाज को 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के जड़कर यह साबित कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस साल की सबसे खतरनाक और बेहतरीन टीम है। दोस्तों आपको बता दें कि मैथ्यू वेड जो कि इतने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे उन्होंने इस मुकाबले में 41 रन बनाए और उन्हें मैन ऑफ द मैच भी दिया गया और उन्होंने अपने इस शानदार प्रदर्शन का सारा श्रेय महेंद्र सिंह धोनी को देते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर आपके भी उड़ जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि मैथ्यू वेड ने अपने बयान में कहा कि इस साल हमारी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन करके दिखाया जिसकी वजह से हम इस साल फाइनल के मुकाबले में पहुंचने में कामयाब रहे और अपने सभी साथी खिलाड़ियों को मुबारकबाद देना चाहेंगे इस जबरदस्त प्रदर्शन के लिए और इस जबरदस्त जीत के लिए। उन्होंने ऐसा लगता है कि उनके बल्ले से कम रन निकले हैं जब उनकी टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए उनके लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो इस मुकाबले में जहां उनकी टीम काफी ज्यादा मुश्किलों में नजर आ रही थी वो उसमें एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर अपनी टीम को जिताने में कामयाब रह सकेंगे, इसीलिए वो काफी ज्यादा खुश हैं अपने प्रदर्शन से। और दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने अपने प्रदर्शन का सारा श्रेय महेंद्र सिंह धोनी को देना चाहा क्योंकि उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी से हमेशा ही सीखा है कि कैसे मुश्किल परिस्थितियों में अपने दिमाग को ठंडा रखकर मुकाबले में जान झोंक देनी चाहिए और मुकाबले को अंतिम गेंद तक ले जाना चाहिए और जब उन्हें लगे कि अब मुकाबला उनके गिरफ्त में आ चुका है तब इक्का दुक्का रन ना लेकर केवल चौके छक्के जड़कर अपनी टीम को जीत हासिल करानी चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी से यह ज्ञान ना लिया होता तो शायद आज वो अपनी टीम को एक शानदार जीत हासिल ना करवा पाते। लेकिन दोस्तों आप सभी मैथ्यू वेड की इस शानदार पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।